एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। खनन माफिया हर जगह सक्रिय होकर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। खटीमा में भी प्रशासन की सुस्ती और मिलीभगत से खनन माफिया मिट्टी का अवैध रूप से खनन कर रहा है। खटीमा के टेढ़ा घाट में धड़ल्ले से अवैध रूप से मिट्टी खनन का काम हो रहा है। मिट्टी खनन में लोडर और जेसीबी से ट्रॉली में भरकर जगह जगह मिट्टी पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में खटीमा प्रशासन को सूचित करने के बावजूद लगातार देर रात तक टेढ़ा घाट क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कार्य चलता रहा। इससे ये जग जाहिर होता है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। मौके पर खटीमा का एक पटवारी भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं, जो बेखौफ होकर मिट्टी खनन कर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ण ने बताया कि मात्र एक जगह से मिट्टी खनन की परमिशन है, बाकी सब जगह अवैध मिट्टी खनन का कार्य हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जारी हो रही है, जिनको परमिशन वहाँ से हुई भी है, और उसकी आड़ में सुनने सूचना ये प्राप्त हुई कि कई जगह अवैध खनन किया जाता है। उसमें मैंने सारे तहसीलदार को, सारे पटवारी को निर्देशित कर दिया कि वो मौका निरीक्षण करें और ऐसा कोई भी अवैध खनन पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके व्हीकल्स जो भी यूज़ हो रहे हैं, पोकलैंड या आपका जेसीबी या डंपर्स या ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उनको सीज करके मेरे पास लाएं। नहीं, वो जांच का विषय है। मैंने पटवारी से रिपोर्ट तलब की हुई है, देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें।